दोस्तों, आज हमारे चैनल हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी गवर्नमेंट जॉब की में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा अपडेट्स आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें आप प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इससे रिलेटेड किसी भी बैंकिंग या एसएससी की तैयारी के लिए कोई ई बुक खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ई बुक मौजूद है, वहाँ से आप काफ़ी कम दाम में ई बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम लोग अपना टॉपिक, जो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक बातें हैं उसको मैं बता दूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब क्या होता है मैं ये बता दूं। तो सीपी यानी कि जिस किसी भी वस्तु को जिस प्राइस पे खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है, यानी क्रय मूल्य बोला जाता है। तो उसको हम लोग सीपी से डिनोट्स करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसको हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे, जो जिसको हम लोग है सेल प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और प्रॉफिट तो आप जानते ही हैं, प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ, यानी कि किसी वस्तु को हम कम दाम में खरीद के उसको ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होती है। अगर किसी वस्तु को ज़्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेच रहे हैं तो वो हमें लॉस होती है। तो प्रॉफिट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, और लॉस जो हो जाएगा हम लोग का वो सी पी माइनस एस पी। लॉस में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा दाम में खरीद लेते हैं और कम दाम में बेचते तो हम लोग को हानि हो जाती है, तो लॉस हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में परसेंटेज भी निकालने बोल रहा है, तो किसी का भी हम लोग अगर परसेंटेज निकालेंगे तो वो सीपी के साथ निकाला जाता है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंटेज हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज का हम लोग निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 और नीचे में हमेशा सीपी रखते हैं। और अगर इसी तरह हम लोगों को लॉस का परसेंटेज निकालना हो ना, तो लॉस में यहाँ पे लॉस रखेंगे इंटू 100 और नीचे में सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस रखेंगे, यानी कि चाहे कोई भी किसी का भी परसेंटेज हम लोग को निकालना हो तो हम लोग सीपी से ही निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 400 रुपये में एक वस्तु खरीद कर रुपये 560 में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, कोई व्यक्ति है वो 400 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यानी खरीदने का प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 400 दिया हुआ है, ठीक है, और 560 रुपये में बेच देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 560 रुपीज हो जाता है। तो ये सीपी दे दिया और एसपी दे दिया। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग ऊपर फार्मूला में देख लिए थे कि एसपी में से अगर हम लोग सीपी को घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी कि 560 माइनस 400, ये हमारा आ गया कितना, 160, ये जो प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो अभी जैसा मैंने बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसी भी का भी परसेंटेज निकाला जाता है तो हम लोग क्या सीपी से निकालते, तो इसका सीपी दिया हुआ है 400, है भाई 400, ठीक है, 0 to 0 क्रॉस हो जाएगा और 4 टाइम्स में इसको हम 40, तो ये आपका आ जाएगा 40%। ये जो आ गया ना, ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत यहाँ पे 40% हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। एक दुकानदार एक साइकिल 1250 रुपये में खरीदा, कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में साइकिल खरीदने का मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सीपी दिया हुआ है 1250, ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 10%। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालने बोला, कितना में बेचे, यानी कि एसपी निकालना है। तो एसपी बराबर व्हाट, तो देखिए दोस्तों, अगर सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया, तो हम लोग एसपी आराम से निकाल सकते हैं।
तो हम लोग सीपी जो होता है हम लोग का वो टोटल 100% होता है, ठीक है, 100%। और एसपी जो होता है वो उसमें प्रॉफिट या प्रॉफिट को ऐड करके जो होता है, यहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज 10 दिया हुआ है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये 110%। तो सीपी कितना दे रहा है 1,250 रुपीज, और एसपी इसका क्या हो जाएगा 110%। तो यहाँ पे 110% निकाल देंगे, 0 to 0 क्रॉस हो जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,375 रुपीज। ये जो आ गया हम लोग का ये सेलिंग प्राइस आ गया, यही पूछा गया था हम लोग उसी क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। अब एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, तो सोफे का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को सोफे का क्रय मूल्य निकालने बोला जा रहा है। सोफे का क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कितना में बेचा है, यानी एसपी दिया हुआ है कितना 19,800, और यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज 10% दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, सीपी, यानी कि सीपी बराबर व्हाट, सीपी निकालना है हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, अगर ये 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या, सीपी तो ऑलरेडी 100% होता है, तो इसमें 10% और ऐड किया होगा तभी तो सेलिंग प्राइस होगा ना ये। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग इस सीपी इसका निकाल लेंगे क्या, 1,980 हो जाएगा, और ये इसका हम लोग 100% निकाले इसलिए 100 को ऊपर रखेंगे, और ये जो सेलिंग प्राइस नीचे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 110, क्योंकि इसमें सीपी और प्लस प्रॉफिट भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे 110 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग ये 11 से इसको काट लेंगे तो 1,808 टाइम्स में ये आ जाएगा 18,000, जो कि आपका ये सीपी निकल गया। तो देखिए किस तरह इजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसीलिए इजी तरीके का यूज करेंगे, ज्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमारा जो निकल के आ गया सीपी निकल के आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितने में वो सोफी को खरीदा था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदी जाती है, लेकिन 11 रुपये में 10 नारंगी बेची जाती है, तो बताएं कि इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, बैंकिंग में या फिर सीसी में। तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोले, नारंगी खरीदी जाती है, खरीदी यानी कि या सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा 10 रुपये में 11 नारंगी, तो एक नारंगी का सीपी क्या हो जाएगा 10/11। इसी तरह क्या बोला जा रहा है, 11 रुपये में 10 नारंगी बेची जाती है, तो इसका एसपी क्या हो जाएगा 11/10, क्योंकि 11 रुपये में 10 बेची जाती है। तो बताएं कि सौदे में लाभ या हानि क्या होगा, प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग को यहाँ पता नहीं है कि यहाँ पे लाभ होगा या फिर हानि होगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे सीपी में से एसपी को घटा के देखते हैं, अगर माइनस में रिजल्ट आया तो हमें लॉस होगा, अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सीपी से एसपी को लेस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10/11 माइनस 11/10, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 100 माइनस 121, तो ये हम लोग का -21/, यहाँ पे आ जाएगा -21/110, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए माइनस में आया है, तो माइनस में यानी कि ये क्या आ गया, लॉस आ गया, तो ये लॉस हो गया, ठीक है, हम लोग का लॉस जो हो गया वो 21/110 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लॉस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 21/110 को इंटू 100 करेंगे, और इसका सीपी कितना था, तो सीपी दिया हुआ था 10/11, यहाँ पर 10/11 को लिख देंगे, ठीक है, 0 to 0 क्रॉस हो जाएगा, और 11 अगर ऊपर चला जाएगा ना इस, तो इस तरह लिख सकते हैं 11/10, तो ये 11 हो जाएगा 10 into 11, ठीक है, तो 11 और 11 से ये 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, और 11 से 11 ये हमारा बचेगा क्या 21%। तो ये इस सौदे में हम लोगों को 21% का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन में यहाँ यही पूछा जाए तो सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को लॉस हो रहा है वो भी 21% का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, ये अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 535 रुपीज में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है,
तो यहाँ पे वस्तु का क्रैमूल्य क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोला क्या, अगर कोई एक वस्तु है ठीक है जिसका क्रैमूल्य हम लोग को नहीं पता है, लेकिन अगर उस वस्तु को हम लोग 535 रुपए में बेचते हैं तो हम लोग को उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि 465 रुपए में बेचने पे जितना हम लोग को हानि होता है। तो देखिए यहाँ पे क्रैमूल्य हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सीपी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है सीपी को एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एसपी दिया हुआ है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस जो भी प्रॉफिट हुआ होगा हमारा, और प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल ही है तो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग यहाँ पे बाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसपी हमारा दिया हुआ है कितना, 535, और सीपी हम लोग को एक्स दिया हुआ है और प्रॉफिट ये बाई, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसी तरह जब हम लोग सेकेंड में देखेंगे ना, तो ये 465 रुपये बेचने पर उसको हानि प्राप्त होती है, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, 465, ये जो था इसकी हानि है, हानि पे ये बेच रहा है, तो एसपी यहाँ पे हो जाएगा 400। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा ना 465 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग ये जो लॉस था इसमें अगर लॉस जो कि हम लोग बाई मान रखे हैं ना, लॉस को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा सीपी हो जाता है क्योंकि हानि में बेची जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीपी हम लोग एक्स माने हैं और ये 465 प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन तैयार होगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 465। अब हम लोग इस इक्वेशन को इजिली से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 535, और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 465। यहाँ पे देखिए दोनों को अगर ऐड कर ले तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा 500। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा x, जिसको हम लोग x क्या माने थे, सीपी। हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, उस वस्तु का क्रैमूल्य क्या होगा, यानी कि क्रैमूल्य ही पूछा जा रहा था, तो सीपी क्या हो जाएगा उस वस्तु का, 500 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। एक व्यापारी 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये प्रति किलो वाली वस्तु को 2:4:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण 33 रुपये प्रति किलो की दर से बेचकर कितना परसेंट लाभ प्राप्त करेगा। यानी कि कोई व्यापारी है ठीक है, जिसके पास तीन तरह की वस्तु है, एक का दाम 50 रुपया, दूसरी का दाम 20 रुपया, तीसरी का दाम 30 रुपया, ठीक है। और उस वस्तु को वो, यानी 50 रुपये वाला वस्तु 2 ठो बेचता है, तो 20 रुपये वाला 4 ठो, 30 रुपये वाला 3 ठो। अगर इस तीनों को मिला के ये पूरे जो मिश्रण तैयार होता है ना, उसको 33 रुपये पर किलो के रेट से बेच देता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो क्वांटिटी दिया हुआ है, ये 50 रुपया वाला, ये 20 रुपया वाला और ये 30 रुपया वाला, इसको रेशियो किस रेशियो में बेचा रहा है, 2, ये 4, ये 3। तो अगर ये बेचा जाए तो ये 100 रुपये का हो जाएगा, ये 80 रुपये का हो जाएगा और ये 90 रुपये का हो जाएगा। तो टोटल प्राइस हम लोग का क्या हो जाएगा, 100 प्लस 80 प्लस 90, यानी कि 270 रुपीज, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी वस्तुएं कितनी बेची जा रही है, तो 2, 4, 6, 6, 3, 9, यानी कि 270 को अगर 9 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को एक वस्तु का एवरेज प्राइस निकल जाएगा जो कि 30, ठीक है। तो ये 30 रुपया जो हो गया, एक वस्तु का एवरेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल गया, सीपी हम लोग का 30 निकल गया। अब इस वस्तु को बेच रहा है ये कितना में, 33 रुपीज में, तो हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हम लोग एसपी में से सीपी को घटा लेंगे, यानी कि 33 में से जब 30 को घटाएंगे तो 3, और यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई सीपी जो कि हमारा 30 है, तो 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा, 3 से 3 जो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज 10%। ये जो आया हम लोगों का, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। देखिए 40 रुपए के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, वह 24 रुपए के कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, 40 रुपए के 45 नींबू बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो यहाँ पे एसपी जो आपका क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 40 रुपए का 45 नींबू, यानी कि एक नींबू का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 40/45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, ये होता है अगर एसपी इतना दिया हुआ तो लॉस का परसेंटेज जो है वो 20% होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे ना,
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीपी निकाल लेंगे। एसपी दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ये जो दिया हुआ है एसपी, इसको रखते हैं यहाँ पे, लॉस पे बेचा है तो ये सेलिंग प्राइस अगर 100 होगा तो लॉस यानी कि 100 माइनस 20 यानी 80%, तो सीपी हम लोगों का क्या हो जाएगा 80%। तो यहाँ पे इसका 80% हम लोग निकाल लेंगे, 80% निकालना है और ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसलिए 100 को ऊपर रखेंगे, हम लोग को 80% निकालना है। तो ये 42,000 और ये 250 टाइम्स में कट जाएगा, अगर 5 से कट करें तो ये 10 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, यानी कि 10/9 ये जो हमारा एक नींबू का सीपी निकल के आ गया, और एक नींबू का सीपी निकल गया यहाँ पे। और यहाँ पे बोला क्या जा रहा था क्वेश्चन में, वो 24 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सेकंड केस में अगर देखा जाए तो एसपी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24, और प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो 20% दिया हुआ है, यानी कि ये एसपी जो होगा वो कितना होगा 120% होगा, और सीपी यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे सीपी निकालना है, ठीक है, सीपी निकालना है। तो ये एसपी दिया हुआ है कितना 24, जो कि 120% है, तो हम लोग सीपी निकाल लेंगे यहाँ से। तो सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी जो होगा वो 100% होगा और एसपी 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यहाँ पे 10/9 जो सीपी था मेरा, और ये हम लोग यहाँ पे ये 120% है ना, तो 100% निकालना है, 120/100 ये हो जाएगा, तो 0 to 0 और ये 0 to 0, तो यहाँ पे अगर इसको कट कर दे तो 4/3 हम लोग का एक नींबू का सीपी निकल के आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सीपी या एसपी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेमन पूछा जा रहा है। तो नंबर्स ऑफ लेमन क्या हो जाएंगे, जब एक का सीपी निकल के आ गया तो टोटल बेच कितना रहा था एसपी, 24 रुपये में बेचना था इसको, तो यहाँ से नंबर ऑफ लेमन निकाल लेंगे, 24 × 3/4 तो ये 6, और ये 6 यानी कि हम लोग अगर 24 रुपये में 18 नींबू बेचेंगे ना, तो हम लोगों को 20% का प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा, एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज को बेचकर 25% लाभ कमाता है, वह एक दूसरा मेज 10% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो दूसरे मेज की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको 25% का लाभ होता है और दूसरे स्टेज में हानि होती है, तो यहाँ जितना लाभ हुआ उतना ही हानि होगा, तभी तो इसको ना तो कोई प्रॉफिट या और ना ही कोई लॉस होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इतना में एक मेज बेचता है, तो एसपी दिया हुआ है, इसका एसपी दिया हुआ है 400 रुपीज, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है 25%, तो यहाँ से हम लोग सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी क्या हो जाएगा, ये 2400 है और प्रॉफिट 25% था, तो हम लोग को यानी सीपी तो हमेशा 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 400 जो है वो कितना है 125% है, तो हम लोग को 100% निकालना है और नीचे 125 रखेंगे। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 4 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 80, यानी कि 320 रुपीज जो आ गया ना, ये हम लोग का सीपी निकल गया। जब सीपी निकल गया तो हम लोग यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, रुपीज में प्रॉफिट कितना होगा, तो 400 सेलिंग प्राइस दिया हुआ था और 320 ये हमारा सीपी था, तो यहाँ पे 80 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए 80 रुपये के यहाँ प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे स्टेज में 80 रुपये लॉस भी होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे जो बेच रहा है दुकानदार उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो अब देखिए यहाँ बोला क्या जा रहा है, एक मेज को 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि ये 80 रुपीज जितना प्रॉफिट है यही लॉस होगा, तो 10% की हानि पे, यानी कि 880 रुपया जो है ना, ये 10% है, यानी कि लॉस है, ये 10% है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, कुल मिलाकर उसे हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है, तो दूसरे में इसकी कीमत यानी कि सीपी निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10% हानि पर बेचता है, तो जितना प्रॉफिट हुआ है 80 रुपीज उतना ही लॉस भी होना चाहिए, और 10% हानि है, तो हम लोग यहाँ पे 110% ये है, तो 100% निकाल लेते हैं, वो हमारा सीपी हो जाएगा। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 जो कि 10% है, यहाँ से 100% निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 जो है वो 10% है, तो 10% को नीचे रखेंगे, 0 to 0 क्रॉस हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 800 रुपीज, यानी कि यहाँ पे इसका जो सीपी यानी कि दूसरा मेज का जो कीमत है वो 800 रुपया होगा। अगर ये 800 रुपया में दोगा ना, तभी इसको ना तो प्रॉफिट होगी और ना ही लॉस होगी। ठीक है, तो ये आगे हम लोग का सीपी जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था,
यानी कि कितने में वो बेचे दूसरे में, मतलब कितने में बेचे ताकि उसको प्रॉफिट ना हो और ना ही लॉस हो। तो 800 रुपये में अगर उस मेज को वो बेचता है तो ना तो उसको प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस होती है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमको बता सकते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर पाऊँ, जो भी गलतियाँ उसको सुधार पाऊँ। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर हाँ आपको बुक चाहिए होगा, ई बुक चाहिए होगा, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ई बुक परचेज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम दाम में आपको मिल जाएगी, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको परचेज करना हो तो कर लें। ओके, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।